कितने कोर्सेज का प्लेसमेंट्स होता है और कितना प्लेसमेंट्स होता है। बहुत सारे लोगों को यही पता है कि सिर्फ डिप्लोमा बीटेक एमबीए में ही प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये जो सोच है वो गलत है। मैं आपको बताऊंगा कि बीए जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाले कोर्सेज माने जाते हैं उसमें भी टॉप क्लास के कंपनीज आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो देहात में है, वहां पे प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही होता है कि वहां पे प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट तो होता ही नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं। इसमें देखिए कि सऊदी एग्रीकल्चर कंपनीज, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो कि खेती बाड़ी के बारे में यहां पढ़ते हैं, वो सऊदी से कंपनी आके हायर की है। यहां देखिए US बेस्ड MNC हायर्स AMU स्टूडेंट्स जो कि कंसेंट्रिक कॉरपोरेशन है USA के, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। AMU के कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट और साइंस के स्ट्रीम्स के बच्चों को हायर करके ले गई है। उसके बाद आप इसमें देखिए फ्लॉक टॉप एम्प्लॉयर्स रिलायंस ग्रुप AMU में आई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिलायंस भी आती है, यानी धीरू भाई अंबानी के जैसे कंपनी भी आती है। उसके बाद आप देखिए एमिरेट्स कंपनीज, उसके बाद आप देख लीजिए मेसर्स कैट विजन्स, उसके बाद आप देख लीजिए ट्रांसलेटर कंपनी में जेन पैक्ट बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसी की कंपनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं अमेजन इंडिया भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आई है। उसके बाद आप देखिए ICICI बैंक्स जो कि टॉप क्लास की बैंक है, ICICI बैंक्स। और आपको मिलेगा ICICI के बाद जेन पैक्ट्स पर्शियन स्टूडेंट, यानी फारसी पढ़ने वालों को, पर्शियन पढ़ने वालों को हायर की है जेन पैक्ट। HDFC बैंक MBA स्टूडेंट्स को हायर की है। उसके बाद आप देखिए जेन पैक्ट फिर से आई है। इसके बाद चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद अभी डिवाइन पब्लिक स्कूल देख रहे हैं, फिर आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उसके बाद है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस नोटिफिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टाटा जिसे कंपनी भी आती है, एक्सिस इंस्टीट्यूट्स है। इसके बाद जोहो कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और अभी विप्रो टेक्नोलॉजी आई हुई है 19 और 20 के बैच वालों के लिए। और इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो 29 फरवरी 2020 है। तो अभी भी जो स्टूडेंट्स बीए और बीकॉम के पास आउट से 19 का और 2020 में जो पास आउट होने वाले हैं उनके लिए चांस है विप्रो टेक्नोलॉजीज में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी और भी डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना आप भूल जाते हैं। और कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि आपके मनपसंद के कोर्स कौन सा है और आपका मनपसंद यूनिवर्सिटी कौन सा है, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कितने टाइप्स के कंपनीज आती है और किस किस कोर्स के लिए आती है और कितना प्लेसमेंट होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो कि एक देहात में है, एक जिला में है। बाकी लोग मानते हैं कि बनारस तो बड़ी शहर है और जामिया तो दिल्ली में है, DU भी दिल्ली में है और भी मुंबई में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, सिर्फ उसी में प्लेसमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर अच्छी इंस्टीट्यूट से अच्छी नॉलेज है, चाहे वो गाँव में हो चाहे वो शहर में हो, उसको प्लेसमेंट्स का अवसर मिलता है। बस यही फर्क थोड़ा सा हो जाता है कि जो शहर के बच्चे होते हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, वो अच्छा होता है, फोनेटिक अच्छा होता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो देश के हर कॉर्नर से, हर नुक एंड कॉर्नर से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों जनवरी की ही बात है 2020 के, जब सऊदी एग्रीकल्चर कंपनी, एक रियल एस्टेट की कंपनी, AMU के स्टूडेंट्स को हायर की थी। उसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग जो सैलरी थी 10.15 लाख, यानी आप समझ लीजिए 12,784, इससे ऊपर जाएंगे 12,896, यानी 90,000 के आसपास पर मंथ, यानी 1,000,000 पर एनम पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हायर किए हैं सऊदी अरबिया में। एग्रीकल्चर जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो नहीं लेते, बोलते खेती बाड़ी के कौन कोर्स करेगा, कहाँ कंपनी आएगी। तो दोस्तों देख लीजिए फॉरेन की कंपनी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आई है, किसके लिए, एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। अब नेक्स्ट में आप देखिए कौन सा कोर्स है, इसमें है कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जैसे बी कॉम, बी ए,
मैनेजमेंट और बीएससी यूएसए की कंपनी कंसेंट्रिक जिसका हेडक्वार्टर है फोरमोंट कैलिफोर्निया में, वो 31 स्टूडेंट को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिसंबर में एक महीना पहले हायर करके गई है। कितने 31 स्टूडेंट्स को, बीकॉम, बीए, एमबीए और बीएससी के स्टूडेंट्स को। तो लोगों को पता नहीं है कि बीएससी का भी प्लेसमेंट्स होता है, बीकॉम का भी प्लेसमेंट्स होता है, बीए में बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपके लिए सीख है कि आप देखिए प्रूफ के साथ कि कितने स्टूडेंट्स सिलेक्शन हुआ है, कौन से कंपनी में हुआ है। ये थे जनरल कोर्सेज के। इसके अलावा आप इस वीडियो में देखिए कि 11 स्टूडेंट्स बीटेक स्टूडेंट्स हायर किए गए हैं, कौन से कंपनी में देख लीजिए, फ्लॉक टॉप एम्प्लॉयज रिलायंस। रिलायंस यहाँ देखिए, रिलायंस हायर्स एमयू स्टूडेंट्स। रिलायंस में गए हैं वैभव सिंह जोधन जो कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से है, तूबा आफरीन बीटेक कंप्यूटर साइंस, नवदीप नैनवाल बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, आकाश सिंह बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, दीपांशी अग्रवाल बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्तिक वर्षने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, भूवी शर्मा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, शार्दुल यादव बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, लुबना आरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, राहुल झा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और दीपाल सचदेवा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे स्टूडेंट्स रिलायंस में गए हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए बीटेक में रिलायंस जैसी कंपनी जो देश की नंबर वन कंपनी है और वर्ल्ड में इसके जो मालिक हैं वो तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, मुकेश अंबानी, वो वाली कंपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब नेक्स्ट कंपनी जो है, नेक्स्ट प्लेसमेंट है ईएफएल टेक्नोलॉजी जो कि एमिरेट्स एयरलाइंस की एजेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, एंग्लो ज़ारा इंटरनेशनल, ज़ारा टेक्नोलॉजी, हेक्सस व्यूज, जेके टेक्नोलॉजीज, एक्जियम कंसल्टेंस, पिरामल एजुकेशन फाउंडेशन एमंग अदर्स है। 150 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स हुए हैं टॉप कंपनी में, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमिरेट्स एयरलाइंस है, ईएफएस टेक्नोलॉजीज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस है, एंग्लो ज़ारा इंटरनेशनल है, ज़ारा टेक्नोलॉजीज है, हेक्सा व्यूज है, जेके टेक्नोलॉजीज है, एक्जियम कंसल्टिंग है, पिरामल एजुकेशन है। ये सारे 150 स्टूडेंट्स को हायर किए गए हैं। अभी ड्राइव्स मोर होगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पे, चेग इंडिया पे कंसेंट्रिक में, जो कि आने वाले टाइम में, जी ये अक्टूबर का है और आप देखेंगे आगे भी ये सारे स्टूडेंट्स को टॉप कंपनीज हायर की गई है। और ये जो स्टूडेंट्स है वो एक कोर्स के नहीं है, ये ह्यूमैनिटीज से आते हैं यानी आर्ट्स, लैंग्वेज कोर्स से, एग्रीकल्चर बिजनेस से, मैनेजमेंट से, एजुकेशन से, इंजीनियरिंग से, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशल बैकग्राउंड्स, सारे टाइप्स के स्टूडेंट्स को हायरिंग की है बड़ी बड़ी कंपनियां। अभी इस पिक्चर में देखिए मिसेज कैट विजन्स हायर्स, ये 25 जनवरी के न्यूज़ है, 2 एमयू बीटेक के स्टूडेंट्स, कैट विजन ने एमयू के स्टूडेंट्स को हायर किया है। अभी देखिए 23 जनवरी 2019 के ही एक न्यूज़ थी जैन पैक्ट। जैन पैक्ट बहुत बार आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और ये हायर करके गई है किस टाइप्स के स्टूडेंट, उर्दू अरबिक लैंग्वेज को। जैन पैक्ट ने उर्दू स्पीकिंग और अरबिक स्पीकिंग लैंग्वेज के आधार पे प्लेसमेंट करके गई है जैन पैक्ट में। जैन पैक्ट बहुत अच्छी कंसल्टिंग कंपनी। उसके बाद अमेजन इंडिया, अमेजन इंडिया भी डिफरेंट टाइप्स के जो कि फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके गई है। तो लैंग्वेज भी कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और लैंग्वेज कोर्स अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ है सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन में। तो सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसमें भी लैंग्वेज कोर्सेज 4 कोर्सेज लॉन्च हुआ है, वो भी कोर्स अगर आप करते हैं तो उसमें भी प्लेसमेंट का चांस आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए इंडियाज लीडिंग प्राइवेट बैंक ICICI जो कि टॉप मोस्ट बैंक है ICICI बैंक, वो भी MBA स्टूडेंट्स को हायर करके गई है, AMU के स्टूडेंट्स उसमें हायर हुए हैं। 6 स्टूडेंट फ्रॉम AMU डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन स्टूडेंट्स जैन पैक्ट में हायर किए गए हैं जो कि हैदराबाद में उनका बेस है जैन पैक्ट का। उसके बाद HDFC बैंक, अभी आपने ICICI बैंक को देखा, अभी देखिए HDFC बैंक हायर करके गए 20 स्टूडेंट को MBA बैकग्राउंड के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्होंने MBA किया है उनके लिए HDFC बैंक में सुनहरा अवसर। अभी जैन पैक्ट में फिर से लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को हायर करके गई है जैन पैक्ट, जो कि पर्शियन अरबिक उर्दू लैंग्वेज कोर्स किए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनको सिलेक्शन हुआ है।
इसमें देखिए चेक इंडिया 17 स्टूडेंट्स को हायर की है, और ये चेक स्टूडेंट्स जो हैं इसमें हायर हुए हैं मोहम्मद गालिब, मोहम्मद अनस, अरहाम इजहार, मोहम्मद अहमद रहमान अफसार, बहुत स्टूडेंट्स हैं, तनिष्का गुप्ता एट्सेट्रा। ये जो प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट है, डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज करने वाले इसमें गए हैं, ये कोई एक कोर्स का नहीं है, डिफरेंट डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स इसमें हायर करके गए हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और ये चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो कि 17 एमयू स्टूडेंट्स को हायर की है, अभी 4 फरवरी की न्यूज़ है। अभी देखिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अभी आप देखेंगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो कि रिक्रूटमेंट ड्राइव की थी, इसमें देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है या एमफिल किया है मैथ्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे कोर्सेज का प्लेसमेंट्स है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस किस टाइप्स के कोर्सेज के लोग हायर होते हैं। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें बीटेक, एमटेक, पीएचडी स्टूडेंट को हायर करके ले गई है, किसमें, इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद देखिए रिक्रूटमेंट ड्राइव हो गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में बीसीए और बीएससी स्टूडेंट्स के, तो अगर आप बीसीए करते हैं और बीएससी करते हैं तो भी आपका चांस होता है प्लेसमेंट्स के, ये भी देख लीजिए, बीसीए वालों को भी प्लेसमेंट का अवसर मिलता है और बीएससी वालों को भी मिलता है। अभी एक्सिस इंस्टीट्यूट आई थी एमएससी स्टूडेंट्स को, एमएससी साइंस का और लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को हायर करके गई है एक्सिस इंस्टीट्यूट, जो कि पोस्ट दी है टीचर और फैकल्टी का। उसके बाद जोहो कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, बीए एमए स्टूडेंट्स को हायर करके गई है, ये सब्जेक्ट चाइनीज़ के, कस्टमर सक्सेस इंजीनियर के पोस्ट पे ये जोहो कॉरपोरेशन में आया था। अभी हाल फिलहाल में जो अभी निकला हुआ है बीए बीकॉम के लिए 19 पास आउट और 2020 पास आउट के लिए, इसमें आपका मिनिमम 10वीं 12वीं में 50% होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। और विप्रो क्या कराएगी, आपको कोर्स भी करवाएगी, जो एक कोर्स करवाएगी उसका नाम है एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, इसके साथ साथ आपका जॉब भी रहेगा, तो जॉब भी रहेगा। और लास्ट डेट है 29 फरवरी, अभी टाइम है आपको अप्लाई करने का, 29 फरवरी 2020 तक इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर बीए और बीकॉम के पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या अभी आप फाइनल ईयर में है 2020 में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन मिला होगा कि किस टाइप्स के हम तैयारी करेंगे तो हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एएमयू में, जामिया में, डीयू में, बीएचयू में, सारे कोर्सेज में प्लेसमेंट होता है। बहुत लोगों की ये अवधारणा थी कि सिर्फ और सिर्फ बीटेक डिप्लोमा और एमबीए में प्लेसमेंट होता है, तो वो गलत है। हर कोर्स में, चाहे वो डिस्टेंस कोर्स क्यों ना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं, जामिया में होते हैं जो बिना टेस्ट के होते हैं, उसमें भी प्लेसमेंट, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर कोर्सेज हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, सारे बैचलर कोर्सेज में प्लेसमेंट आपने देखा है, टॉप कंपनियां सारे कोर्सेज को हायर करती है, क्योंकि अभी हर टाइप के स्टूडेंट की ज़रूरत है कंपनियों में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे यूज़फुल वीडियो आपको हमेशा इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। हम हैं राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।